कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं भागवत गीता को, जो मैंने इसे अमेजन से मंगवाया हुआ है। दोस्तों कुछ ऐसा पैकेज होता है, ऐसे पैकिंग आती है, पैकिंग अच्छी है, थोड़ा घिसपिट गया है उठाने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट इसकी हम लोग अनबॉक्सिंग करें। प्लास्टिक के अंदर ये अच्छे से खूब पैक्ड है, कवर्ड है। मैं इसको निकालने जा रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, मैं इसको साइड में रख देता हूँ। ये रहा हमारा पैकेट, अमेजन ने खूब अच्छे से इसको पैक किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पंच लगे हुए हैं। मैं फोकस कर दूँ कैमरा को, ये पंच लगे हुए हैं और ये कुछ यहाँ पे दो टेप भी लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इस टेप को हम लोग अलग करते हैं और निकालते हैं यथार्थ गीता को। तो दोस्तों ये फाइनली यहां से खुला और मैं इसके अंदर से इसको अनबॉक्स करने जा रहा हूं। देखो तो ये रहा हमारा कुछ ऐसा करके, और मैं इससे धीरे धीरे निकालने जा रहा हूं। इसके अंदर और क्या है, ये है माला, और इसके अंदर क्या है ये देखिए आप, ये कार्ड है, और इसके अंदर ये कार्ड मिला हमको, आप देख सकते हैं, जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद और श्री श्री राधा राजबिहारी जी। ठीक है दोस्तों, ये कार्ड मिला हमको, और ये रही माला, आप देखो इसको। मैं इसको साइड में रख देता हूँ, और ये रहा इनका एक पेपर टाइप का है जिसमें इन्होंने अपना व्यू दिया हुआ है, और कैसे आप ऑडियो बुक मंगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, वही देखते हैं ये भागवत गीता। सर ये लाइट चमक रही होगी, दोस्तों कुछ ऐसी है हमारी भागवत गीता। ये देख लीजिए अच्छे से पैक्ड है ये पूरा। चलिए इसको भी खोलते हैं हम लोग। पैक्ड निकल गया और ये हमारे सामने फाइनली ये एक बहुत ही पवित्र बुक खुल गई है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता। देखिए दोस्तों ये ऐसे खुलेगा, ऐसी बुक है ये हमारी। ये देखिए कुछ रंगीन पिक्चर्स भी हैं इसमें, आप देख सकते हैं, और बाकी की पूरी जो बुक है इसमें पूरी की पूरी शादी केस है। और ये जो कवर है हार्ड कवर है, मैंने इसे 189 में मंगाया था, फ्री डिलीवरी था दोस्तों। आपको भी अगर ये बुक अच्छी लगती है तो आप इसे मंगा सकते हैं।
मैं इस बुक की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।